ये बेमौसमी बारिश और ऊपर से बिना समय की छुट्टी आखिर स्कूल में बच्चों की क्यों हो रही है? जिस समय पर बच्चों को बैग टांगकर स्कूल के अंदर दाखिल होने की जरूरत है, अंदर जाने की जरूरत है, उस समय ये बैग टांगकर बच्चे स्कूल से बाहर जाते हुए नजर आ रही है। ये तस्वीरें ये नहीं है कि हरियाणा के करनाल से ही देखने को मिल रही है। करनाल के अगर मैं यानी कि करनाल के आसपास के गांव की बात करूं, वहां की ये सारी तस्वीरें रोजाना देखने को मिलती हैं। इसके अलावा अगर मैं दूर की थोड़ा बात करूं, यमुनानगर की बात करूं, गुरुग्राम की बात करूं, तो वहां पर भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि लगातार चाहे गाँव वाले हैं, शहर वाले हैं, उनका एक ही कहना है कि स्कूल में टीचर्स नहीं है और बिना टीचर्स के आखिर बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे। करनाल के पास लगते नीलोखेड़ी के गाँव संधीर की ये तस्वीरें हैं। गाँव संधीर की तस्वीरें जहां पर हाई स्कूल है, 10वीं तक का स्कूल है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे होंगे कि बच्चे बारिश में बाहर खड़े होने को मजबूर हैं। बारिश हो रही है, ऊपर से आसमान से बारिश गिर रही है झमाझम, और इसी बारिश में बच्चे सर पर अपनी चुन्नी ओढ़कर किस तरीके से यहां पर खड़े हुए परेशान है। परेशान इस वजह से है क्योंकि स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है इनको पढ़ाने के लिए। क्या आपका नाम है? प्राची। प्राची कहाँ से हो, कौन से स्कूल से हो? संधीर स्कूल से हैं। संधीर से? कौन सी क्लास से हो आप? सातवीं। सातवीं? तो टीचर है आपको पढ़ाने? नहीं नहीं। कितने टीचर हैं स्कूल में टोटल? छह। दो पढ़ाने वाले पढ़ाते हैं जो आपको? नौ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम त्रिशा है और मैं संधीर गांव से हूँ, गवर्नमेंट स्कूल से। और मैं बल्कि हमारे हमको पढ़ाने के लिए दो टीचर है, तो हमें प्लीज टीचर का इंतजाम करके दीजिए। पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं आपको? बावजूद तो दो ही है, लेकिन और भी तो चाहिए ना। सब्जेक्ट कितने हैं आपके? हमारे छह। छह और टीचर दो हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं यहाँ पे? SS और साइंस। साइंस, बाकी जो ये इंग्लिश हिंदी मैथ्स है ये कौन पढ़ा रहा है आपको? वैसे तो जो SS वाली मैडम है वो इंग्लिश पढ़ा रही है अभी तक तो, और जो हमारे ऐसे कंपार्टमेंट से है वो हमें हिंदी पढ़ाते हैं, और हमारे जो लास्ट दूसरे सब्जेक्ट के टीचर आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? जी जी। लेकिन काम तो नहीं चल रहा इससे? नो मैम। पढ़ तो नहीं पा रहे हो आप अच्छे से? नहीं मैम। तो क्या चाहते हो, टीचर्स हो? यस मैम, हम गवर्नमेंट से यही ख्वाहिश चाहते हैं कि हमारे पास टीचर हो, और बावजूद इसके कि स्कूल बंद हो जाए हमें टीचर चाहिए। तो आज स्कूल से बाहर निकले हुए, बारिश में खड़े हुए आप लोग? जी, बारिश में खड़े हुए हैं ये तमाम बच्चे। इस तरफ आप देख सकते हैं बच्चों की माताएं भी यहीं पर हैं, यानी कि बच्चों की जो माँ है, तमाम जो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीण है, वो एक साथ इकट्ठा हो चुके हैं क्योंकि परेशान है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई को लेकर परेशान है। क्या नाम है आपका? कमलेश। कमलेश, कमलेश जी कौन सी क्लास में आपके बच्चे? दसवीं। दसवीं में? दसवीं तो बोर्ड की कक्षा होती है। परेशान है टीचर जी? बहुत परेशान है जी, बच्चे पढ़ देने कुछ नहीं काम करते, खेल रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं काम कर रहे हैं बच्चे, क्या नहीं टीचर नहीं पढ़े कहाँ से? टीचर्स हैं? नहीं है, टीचर नहीं है। टोटल कितने बच्चे हैं स्कूल में, कोई आइडिया है? होंगे 30-40 बच्चे होंगे दसवीं। टोटल तो बहुत होंगे जी, 300-400 बच्चे हैं जी यहाँ स्कूल में। कोई भी कार्रवाई नहीं है बिल्कुल भी। पढ़ाने वाले भी दो मास्टर हैं, हिंदी मैथ का कोई मास्टर नहीं है यहाँ पे। 300 बच्चों पे दो टीचर हैं? दो टीचर है जी यहाँ पे। शर्म आनी चाहिए सरकार। और गाली गलौज बच्चे आपस में करते हैं, मास्टर भी आने का बिल्कुल नहीं देखता भी, क्या कार्रवाई करे जाए इनके ऊपर भी। कोई भी टीचर नहीं है तो कार्रवाई क्या होगी? जब यहाँ टीचर ही नहीं होगा तो बच्चे गाली देंगे, क्या करेंगे? कौन सा गाँव है ये? संधीर गाँव है। हेडमास्टर भी नहीं है? मैम हमारे स्कूल में हेडमास्टर है, मैम जितना भी पढ़ाते हैं वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हेड टीचर है वो मैथ करा रहे हैं, और सारे टीचर्स अच्छे हैं अभी तक तो, जो आए हैं जो पहले गए हैं वो भी बहुत पढ़ाते थे। मैम बस टीचर्स मैम 5 टीचर्स हैं, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं पढ़ाने वालों। यस मैम सारे पढ़ाते हैं, सारे पढ़ा रहे हैं। यस मैम कह रहे हैं तो दो ही टीचर हैं? दो टीचर हैं, तो दो ही हैं, दो टीचर हैं, सिर्फ दो ही टीचर हैं जो हमें पढ़ाने वाले हैं। आप स्कूल में 5 टीचर हैं? मैम टोटल 5 टीचर हैं। मैम स्कूल में 5
पास टीचर्स हैं लेकिन पढ़ाते हेड मास्टर होगा बेटा। यस मैम, यस मैम। पढ़ाने वालों की बात करूं, जो टीचर्स होते हैं, जो क्लास टीचर है, सिर्फ दो टीचर है पूरे स्कूल में जो पढ़ाते हैं। मैं 8th क्लास में, क्या नाम है आपका? विनीत। अगर आप इसी तरीके से सड़कों पे रहोगे, बाहर रहोगे स्कूल के, तो कैसे पढ़ाई कर पाओगे? पता नहीं, गवर्नमेंट से ये कि स्कूल में टीचर आने चाहिए। ऐसे ही हो रहा है, पता नहीं। दो ही टीचर है हमारे में, सिर्फ एक तो पढ़ाते हैं साइंस। बच्चों को देखा है आपने जो स्कूल के बाहर खड़े हो जाते हैं? हाँ, कुछ भाग भी जाते हैं, रिसेस के अंदर भाग जाते हैं कुछ। कह रहे हैं जी आपके बच्चे गालियां दे रहे हैं, टीचर भी नहीं सपोर्ट कर रहे। भाई यहाँ पे कोई टीचर आना चाहिए। कह रहे हैं कि गालियां दे रहे हैं आपके बच्चे, अपने बच्चों को संभालो। हम किस तरह संभाले बच्चों को? तो हम स्कूल में भेज सकते हैं ना, हम ये तो नहीं कह सकते भाई हम गालियां दे। हम चाहिए टीचर, चाहिए माना स्कूल में बस बच्चों को वास्ता नहीं है। दसवीं के बच्चे नहीं है, फिर नौवीं के, दसवीं के, हाँ बस हमने तो टीचर चाहिए जी। और कुछ नहीं चाहिए अपने बच्चे के वार्ता। हम गरीब आदमी कहाँ बैठ जाएंगे? ढाई बजे का टाइम है, 11 बजे बच्चे बदले जाते हैं। टीचर नहीं है? नहीं टीचर नहीं है, टीचर नहीं है। कौन सी क्लास में बच्चे आपके? हमारे तो जी दसवीं में, दसवीं में, नौवीं में। अनीता, अनीता, हाँ जी, संदीप का स्कूल है ये जहाँ पे इतनी परेशानी? हाँ जी, हाँ संदीप का स्कूल है। परेशानी परेशानी है, संदीप का हाई स्कूल है जहाँ पर परेशानी परेशानी है। बच्चे आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बारिश में खड़े हुए हैं, बारिश में खड़े हुए हैं जी। जो दो टीचर है नहीं, वो भी कह रहे स्कूल में ऊपर चल रहा है और बच्चों को रोज कहा जाता है भाई अपने टीचर बुलाओ और पंच पढ़ाई दे दो। अपने अगर अपने माँ बाप से शिकायत लगाओगे हम तो भाई आपको पीटेंगे छेतेंगे, क्या मतलब है ये बच्चों को छेतने का? जब से ये नई ट्रांसफर पॉलिसी आई है सरकार की, शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए। बच्चे स्कूल के बाहर है बजाय की बच्चे स्कूल के अंदर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बच्चे ही स्कूल के बाहर है, बैग लेकर ये यहाँ पर खड़े हुए हैं, ये मांग कर रहे हैं। ज्यादा बड़ी मांग भी नहीं है, मांग सिर्फ यही है कि हमें टीचर्स को दे दो। 300 बच्चों के ऊपर दो टीचर हैं, शर्म आनी चाहिए। और मुख्यमंत्री हरियाणा की अगर बात की जाए तो वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि मल्टीटास्किंग होना चाहिए टीचर्स को, फिजिक्स के टीचर्स को मैथ पढ़ा देना चाहिए, सोशल स्टडीज के टीचर को इंग्लिश भी पढ़ा देनी चाहिए और बच्चों को टीचर्स की कोई कमी इस तरीके से नहीं आएगी। करोगे क्या आप आगे? क्या करोगे बच्चों की शिक्षा के साथ? हो रहा है अभी, करोगे क्या? क्या करने हैं तो कट्टर साहब ने कार्रवाई करने जी। हैं मैडम जी, यहाँ बेस सिर्फ दो ही बच्चे हैं। कह रहे हैं मल्टीटास्किंग होनी चाहिए, सोशल स्टडीज का टीचर इंग्लिश पढ़ा दे। हाँ जी, वो तो कह रहे हैं एक टीचर दो दो तीन तीन सब्जेक्ट पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकते जी, कैसे कैसे पढ़ाएगा? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक बार अंदर भी चलते हैं स्कूल के और एक बार देख लेते हैं कि कितने टीचर्स हैं स्कूल में, कितने टीचर्स हैं स्कूल में जान लेते हैं। और बच्चे आप देख सकते हैं कि बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हैं। बच्चे इस वजह से परेशान हैं क्योंकि स्कूल में टीचर्स ही नहीं है, और टीचर सबसे पहले सबसे जरूरी होते हैं किसी भी स्कूल के लिए, क्योंकि अगर टीचर्स नहीं होंगे तो बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे? स्कूल के जो हेडमास्टर हैं उनसे भी हम बात करेंगे, स्कूल के हेडमास्टर से हम एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर क्या ये पूरा मामला है, क्यों इनको टीचर्स नहीं दिए जा रहे? क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में एक ही सब्जेक्ट के दो दो तीन तीन टीचर लगा दिए गए हैं, रिक्रूट कर दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर एक सब्जेक्ट का एक टीचर भी नहीं होता, एक सब्जेक्ट का एक टीचर भी नहीं होता। और एक बार मैडम से भी हम बात कर लेते हैं। मैडम क्या नाम है आपका? क्या नाम है मैडम आपका? हाँ बोलिए सुशीला। ये बच्चे कह रहे हैं टीचर्स नहीं है, 300 बच्चों के ऊपर दो टीचर हैं। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, आप बच्चों से बात करो, इनके पेरेंट्स से बात करो। मैडम स्कूल में 225 224 बच्चे, आने वाले टीचर्स कितने? दो टीचर हैं। आप पेरेंट्स से बात कीजिए प्लीज। क्या नाम है आपका? आप पेरेंट्स से बात कीजिए। क्या नाम है मैडम आपका? प्लीज मैम बच्चों से बात कीजिए। मैडम आपका नाम क्या है? मैडम जी आप भी तो कुछ कहेंगे ना, आप तो कुछ कर सकते हैं। परेशानी है बच्चों को, परेशानी है बच्चों को। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैडम है जो बिल्कुल बात नहीं करना चाहते, जो हमसे बात करते हुए भी कचरा रही हैं। ये सुशीला मैडम है जी। कौन है ये सुशीला मैडम? मैडम है ये, आप ही आई है या दो आई? 8-9 जन जो जितना मतलब 9वीं 10वीं क्लास बेकार बैठी है जमी स्कूल में, कुछ भी नहीं है। बच्चे परेशान है, कोई जवाब दे किसी की है नहीं, ना ही कोई बात किसी से करना चाहता है। लेकिन इन इन बच्चों के भविष्य का आखिर क्या होगा वो आप खुद समझ रहे हैं। मैडम ये इतनी गाड़ियां खड़ी हैं, ठीक है, ये टीचर कहाँ गए हुए हैं? कहाँ गए हुए हैं टीचर? दो टीचर अंदर बैठे हैं। सिर्फ आने वालों की बात की जा रही है, बाकी स्टाफ की बात नहीं की जा रही है। वही तो ना मैडम, स्टाफ नहीं है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे आगे, कैसे इनका विषय बनेगा? हाँ जी,
सब्जेक्ट्स के टीचर रहे हैं लेकिन वो टीचर्स यहाँ पर नहीं है। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं M24 में, हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।